एक गांव में चाचा कहकर एक गरीब आदमी रहता था। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। उसके जैसा नहीं होना है सोचकर उनका बेटे को खूब पढ़ाया। अब वो एक शहर में एक कंपनी में अच्छा नौकरी कर रहा था। चाचा एक साइकिल पर एग पफ्स को लगाकर गांव-गांव घूमकर बेचता था। हाँ एग पफ जी, एग पफ, ताजे ताजे एग पफ, गर्मा गर्म एग पफ, आइए बाबू आइए, कहकर बेचता था। उसी गांव में मुन्ना नाम का एक धोखेबाज आदमी रहता था। चाचा पुराना जमाने का आदमी था। फोन में बात करना उसको पसंद नहीं होने के वजह से पुराने जमाने के तरह कभी कभी उसका बेटा उसको चिट्ठी लिखकर भेजता था। पोस्टमैन उस लेटर को साइकिल पर लाकर पफ्स बेचने वाला चाचा को देता था। चाचा को पढ़ना ना आने के कारण अगर कोई पास में है तो उनको अनुरोध करके चिट्ठी पढ़ने को कहता था। एक दिन मुन्ना ने ये सब देखा, फिर मन में मुन्ना, इस बार लेटर आया तो उसको मैं लेकर पढ़कर इस बूढ़े आदमी को धोखा देकर कैसे भी पैसे लूटना होगा, मगर मुझे पढ़ना नहीं आता है, फिर कैसे? मन है तो रास्ता ऑटोमेटिक से मिल जाएगा, कहकर सोचने लगा। फिर एक दिन पोस्टमैन लेटर देते समय मुन्ना वहीं पर था। पोस्टमैन लेटर देकर जाने के बाद चाचा मुन्ना से, बेटा मुन्ना ये थोड़ा पढ़कर बताओ, कहकर चाचा ने लेटर दिया। फिर मुन्ना ने लेटर को लेकर पढ़ते हुए, मेरे प्यारे और गौरव पिताजी को प्रणाम, आपका बेटा लिख रहा हूँ, मैं इधर ठीक हूँ, आप सब लोग उधर भी ठीक है कहकर आशा करता हूँ। मेरा दोस्त मुन्ना कैसा है? वो मेरा जान का टुकड़ा है, उसके लिए कुछ करने का मन है, इसलिए 1,000 रुपए उसको दीजिए पिताजी, वो हमेशा खुश रहना चाहिए कहकर मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, कहकर पढ़ा। तब चाचा, ये क्या है बेटा, लेटर में पूरा तुम्हारे बारे में ही लिखा है, और वैसे भी तुम और वो मिलकर घूमना तो मैंने कभी भी नहीं देखा, उसने भी तुम उसका दोस्त है कहकर कभी मुझसे नहीं बताया, कहा। तब मुन्ना, क्या है अंकल जी, चलो जाने दो कहकर लेटर पढ़ रहा हूँ तो ऐसे बात कर रहे हो, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, फिर एक बार लेटर पढ़ने के लिए कहकर ऐसा मेरा अपमान मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ, कहकर जाने वाला ही था। तब चाचा, बेटा बेटा, अरे बेटा रुक जाओ बेटा, बुरा मत मानो बेटा, कुछ जाने बिना पूछ लिया, ये लो पैसे, कहकर पैसे दिया। फिर वैसे ही लेटर कब आएगा कहकर राह देखते हुए वहीं पर इंतजार करने लगा मुन्ना। ऐसे चाचा लेटर लाकर उसको देते ही उसमें जो नहीं है वो सब मिलाकर पढ़ता था, और वैसे ही उनसे ढेर सारे पैसे लेता रहता था। चाचा को कुछ समझ में नहीं आकर सर खुजालते हुए, असल में मेरा बेटा को क्या हुआ है, मेरे बारे में कम और मुन्ना के बारे में ज्यादा सोचता रहता है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोचता था। एक दिन पोस्टमैन ने फिर से लेटर लाकर चाचा को दिया। चाचा मुन्ना को देते ही वो पढ़ने लगा, मेरे प्यारे और गौरव पिताजी, आपका बेटा लिख रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप सब लोग भी ठीक है कहकर आशा करता हूँ, मुन्ना कैसा है, उसको देखकर कितने दिन हो गए हैं, उसके लिए ही मुझे फिक्र रहता है, वो कहीं पर भी होने से अगर वो खुश है तो मुझे वही काफी है, अब गर्मियों का मौसम आने वाला है, वो गर्मियों को नहीं सह पाता है, इसलिए उसको अच्छा कूलिंग ग्लासेस खरीद के दे दो, वैसे ही उसका घर में एसी भी लगा दो, वैसे भी त्योहार आ रहा है इसलिए नए कपड़े और शूज भी खरीद कर दे दो, वो जब भी पूछेगा तब पैसे देते रहना, तुम्हारे लिए मैं कितना हूँ वो भी उतना ही है सोच लो, धन्यवाद पिताजी, कहकर पड़ा। तब चाचा ने लेटर खींच कर देखा और, ये क्या है, असल में इसमें 4 लाइन से ज्यादा भी नहीं है, और तुम क्या बहुत सारे लाइन पढ़ रहे हो, और हाँ वो क्या सब तुम्हारे बारे में ही पूछता रहता है, इसमें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहा है, कहा। तब वहाँ पर रुका हुआ एक बच्चा, चाचा जी मुझे पढ़ना आता है, उस लेटर को एक बार दीजिए, पढ़ता हूँ, कहा। तब मुन्ना घबराते हुए, ए बच्चा कहीं का, क्या पढ़ोगे तुम, जाओ यहाँ से, कहा। तब उसका बात सुने बिना चाचा ने उस बच्चा को लेटर दिया। फिर उस बच्चा ने पढ़ना शुरू किया, हेलो पिताजी, कैसे हो, मैं ठीक हूँ, अब सब लोग अच्छे हो कहकर आशा करता हूँ, आपका प्यारा बेटा, कहा। वो सुनकर चाचा चौंक गया और फिर, ये क्या है बेटा, उसमें पहले मेरे प्यारे और गौरव पिताजी कहकर नहीं है क्या, पूछा। तब वो बच्चा,
नहीं है जी, सिर्फ हेलो पिताजी कहकर ही है। कहा तब चाचा, तो फिर मुन्ना के बारे में कुछ भी नहीं है क्या उसमें? पूछा तब वो बच्चा। असल में मुन्ना नाम का कुछ बात ही इस लेटर में नहीं है। कहा तब मुन्ना। तुमको पढ़ना भी आता है क्या? उसमें लिखा क्या है और तुम क्या पढ़ रहे हो, वो क्या है? जाओ यहाँ से। कहा तब वो बच्चा। मुझे पढ़ना आता है, तुमको ही पढ़ना नहीं आता है कहकर गांव में सबको बताया, बेचारा इस चाचा दादाजी के अलावा। कहा तब चाचा चौंक गया और क्या बेटा, इसको पढ़ना नहीं आता है क्या कहकर गुस्से से मुन्ना को पकड़कर खूब मारा। तब मुन्ना वहां से भाग गया। तब वो बच्चा। देखा चाचा जी, इसलिए इंसान को पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे लोगों के हाथों धोखा मिल जाता है। कहा तब चाचा ने बहुत प्यार से उसको एक एग पफ दिया।